इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के सूत्रों से वाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की जल्दी में नहीं है। खबर है कि वायनाड के वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, जबकि 27 अप्रैल से अमेठी और रायबरेली में नामांकन शुरू होगा। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। यानी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना अब भी बरकरार है। हालांकि माना यह जा रहा है कि दोनों ही जगहों से उम्मीदवार घोषणा करने खड़गे बाकी की एक कांग्रेस की रणनीति है, और जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन, इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। ये जी के तहत किया जा रहा है, जो गांधी के चुनाव की उससे इनकार जा सकता। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या यही वजह है कि देरी से कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है उत्तर भारत में उसका नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, जो उसके नेता हैं, वो हतोत्साहित होंगे। इसलिए अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चाहें तो रायबरेली से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से सोनिया गांधी सांसद रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। उसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि वायनाड और अमेठी दो सीटें, पिछली बार मुश्किल जब समय थे राहुल गांधी के लिए तो वायनाड ने उनको संभाला था, लगभग 4,31,000 वोटों से जिताया था। तो वायनाड के लोगों को ये संदेश नहीं देना चाहिए या साउथ इंडिया के लोगों को कि वो जीतेंगे अगर दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और वायनाड, और अगर जीतेंगे तो वायनाड छोड़ सकते हैं। इसलिए रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 26 तारीख तक, जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक अमेठी के नाम की घोषणा न की जाए, और एक बार वहां वोटिंग हो जाती है उसके बाद राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी जाए। हालांकि एक बात अभी ये भी तय नहीं है, राहुल गांधी ने अभी हामी नहीं भरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उनसे बात करनी है, सोनिया गांधी को बात करनी है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में अपील पेंडिंग पड़ी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कि गांधी परिवार के ही सदस्य अमेठी और रायबरेली दोनों से लड़े। तो सवाल बस इतना है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। इस बात का फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर चर्चा होनी और रणनीति के तहत ये रोका गया है। जो रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया था अमेठी से चुनाव लड़ने की मंशा उन्होंने जाहिर की थी, क्या ये भी स्ट्रेटजिकली किया गया था? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा इस चुनाव में नहीं, इसके पहले 2019 में भी और पहले भी वो कहते रहे कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बार वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, कई बार अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और वो कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो, अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं तो, यानी उनका सीधा दावा नहीं है, वो कह रहे गांधी परिवार की डिमांड है और अगर ये लोग नहीं लड़ते हैं तो। पार्टी में कहीं उनके नाम की कोई चर्चा नहीं है, पार्टी के किसी पैनल में उनके नाम की चर्चा नहीं, न तो प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से या प्रदेश की समिति की तरफ से या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की तरफ से, कहीं से भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं आया है। ये खुद रॉबर्ट वाड्रा ने बोला है, पार्टी उस पर विचार करेगी कि नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की ही संस्तुति की है। अब फैसला परिवार को बैठ के लेना, किसके नाम पर मुहर लगेगी ये दीगर बात है, लेकिन रणनीति जरूर है कि बने रहिएगा आप हमारे साथ। इधर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से लड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राहुल और प्रियंका के उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। अमेठी और रायबरेली में दरअसल पांचवें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होने वाली है और यहां पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो यही चाहता है कि यहां से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नेगेटिव असर हो सकता है पूरे उत्तर भारत। वाराणसी का चुनाव अमेठी रायबरेली के बाद है, वहाँ से पीएम उम्मीदवार है, आपकी पार्टी से अजय राय उम्मीदवार है, वहाँ टिकट की घोषणा कर दी, उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो यहाँ से अगर भाई बहन को लड़ना ही है तो क्या देरी है, क्यों देरी है? एक संदेश तो स्ट्रांग मैसेज जाता नहीं। देखिए, ये है कि इनका जो फैसला है ये गांधी परिवार के अंदर का फैसला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी आप देखेंगे तो बहुत लेट ही होता है। 99 का आप देख लीजिए, जब मैडम का इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था। तो ये इनके आपस में है, क्योंकि राहुल जी खुद एक बार वायनाड से लड़ रहे हैं तो उनको ये लगता होगा शायद कि भी मैं एक जगह से लड़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी जगह से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक बात हो सकती है। प्रियंका गांधी को तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं, दोनों को नहीं लगना चाहिए, मतलब ये है। तो मतलब ये है कि फैसला जो है, अंतिम फैसला जो है वो गांधी परिवार को ही लेना है। एक सवाल पूछूंगा, कई कार्यकर्ताओं से आज हमारी बात हुई, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो आए थे बोले कि अगर ये दोनों नहीं लड़ते हैं तो पार्टी का मनोबल गिरेगा यूपी में, कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिरेगा, आपको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता बोल रहा है, पूरा यूपी का
कार्यकर्ता बोल रहा है और मैं भी उन कार्यकर्ताओं की भावना में अपने आप को समाहित करता हूँ।